गांधी जी आश्रम की महिलाओं के साथ में नग्न अवस्था में सोते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। महिलाएं भी आश्रम की जो थी नग्न अवस्था में रहती थी, गांधी जी उनसे अपनी मालिश करवाते थे। यहां तक कि गांधी जी के जो पोत्र थी जिनका नाम मनुबेन था, उनके साथ भी वो नग्न अवस्था में सोते थे। ये क्या बात थी, क्या था ऐसा? और इसमें कहा जाता है कि गांधी जी ब्रह्मचर्य के कुछ प्रयोग कर रहे थे। जी हां भाइयों, जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हालांकि इसको ज्यादा बताया नहीं जाता है, यूट्यूब पर इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने भी सोचा कि इसकी उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। गांधी जी ने 1906 में 38 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, 38 ईयर्स में, ठीक है। धीरे धीरे जब उनको पॉपुलैरिटी मिलने लगी, स्वाभाविक है, राष्ट्रपिता हैं वो, तो जैसे जैसे थोड़े फेमस होने लगे, महिलाओं के बीच में थोड़े वो आने लगे, तो महिलाओं के बीच में आने के बाद थोड़ा उन्हें असहज महसूस हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। स्वाभाविक है भाई, हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जितना हो सके महिलाओं को, महिलाओं से दूर रहना चाहिए ऐसा बताया जाता है, और हम भी उसका पालन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन थोड़ी बात उलझन की है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, उन्हें असहज महसूस हुआ, फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग करना शुरू कर दिए। वो महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में रहने लगे, हालांकि कुछ गलत कार्य नहीं किए, ध्यान से बात को समझना। उनके जो आश्रम में जवान लड़के थे, लड़कियां थी, उनको भी आदेश दिया कि भाई नग्न अवस्था में रहना है, साथ में सोना है, साथ में नहाना है, लेकिन किसी को भी कोई गलत एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर ऐसा सोचा भी तो उसको कड़क, बिल्कुल कड़क सजा दी जाएगी, बहुत ही ज्यादा कड़क। तो ये प्रकार से मेरा एक जो विचारधारा है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कंट्रोल के लिए उन्होंने किया, कि देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की जब नग्न अवस्था में होते हैं तो अपने ऊपर कितना काबू कर पाते हैं। हालांकि इसकी बहुत आलोचना हुई उस समय, बहुत ज्यादा गांधी जी के ऊपर सवाल उठाए गए, बहुत आलोचना हुई, जो भी उनके प्रशंसक थे सबने सवाल उठाए। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसको स्वीकार करने में काफी समय लगेगा और काफी विरोध हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा कि भाई आप अधर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नैतिक धर्म है। तो मेरा बस कहना इतना है, मेरे भाई जो आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए वो उन्होंने क्या प्रयोग किए, क्या उनकी मानसिकता थी, मैं तो नहीं जानता। मैं कोई बहुत बड़ा कोई पंडित नहीं हूं, बहुत बड़ा कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हूं जो मैं कोई टिप्पणी करूं उनके ऊपर। लेकिन हमारे ऋषि मुनि भी हैं, हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनि थे हमारे, वो भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते, बहुत ही तेजस्वी हुआ करते थे। इंद्र देव अपने अप्सराओं को भेजते थे कि इनका ब्रह्मचर्य तोड़ दें, इनकी तपस्या को तोड़ दें, क्योंकि इंद्रदेव को डर रहता था कि मेरा कहीं सिंहासन न छिन जाए। तो उस समय भी ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। हमने कहीं नहीं सुना कि कोई किसी के साथ नग्न अवस्था में सो रहा है या कोई प्रयोग ऐसा हो रहा है। तो ब्रह्मचर्य पालन होता था, स्त्री से कोई दुश्मनी नहीं थी, स्त्री से हमें नफरत नहीं करना है या स्त्री से हमें भागना नहीं है, क्योंकि हम स्त्री से भागकर कहां जाएंगे, हम खुद स्त्री से जन्मे हैं। बात सिर्फ यह है कि स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में रहना, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं स्त्री का अपमान है। स्त्री को नग्न ऐसा कर देना, भाई अपनी एक इज्जत होती है। बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कोई टिप्पणी ऐसी नहीं कर रहा हूं, बस एक बात कह रहा हूं कि जो मेरे भाई सोचते हैं कि स्त्री के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो एक अलग, उसको अलग नजरिए से समझने की जरूरत है। लेकिन जब आप नए नए ब्रह्मचर्य पालन करने में होते हो तो आपको सावधानियां बहुत रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य भी पक्का नहीं हुआ है, वो कच्चा है। तो जो भाई कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरी गर्लफ्रेंड को मैं हाथ लगाता हूं तो मैं, मतलब मेरा पानी निकल जाता है, तो ये क्या मजाक कर रहे हो? ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं होता मेरे भाई। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य एक तप है, एक तपस्या है, अगर उसको आपको करना है तो मेरे भाई ये सब मोह माया त्यागनी पड़ेगी, थोड़े समय के लिए त्यागनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी मत करो, अपने बच्चे मत करो, मैं बस ये कह रहा हूं कि वीर्य को नालियों में मत बहाओ, ठीक है ना, और किसी भी भ्रांतियों में, गलत फहमियों में मत आ जाना। जैसे कि ये गांधी जी का जो टॉपिक था, इस तरह का काफी निकला हुआ है, हमें इसके लिए सवाल आए थे कि गांधी जी तो यार नग्न अवस्था में रह लेते थे, तो भाई वो उनकी जो मानसिकता रही वो ठीक है, बापू हैं, बाकी मैं कोई नहीं होता कुछ कहने वाला। बस यही कहना चाहूंगा कि ब्रह्मचर्य का मजबूती के साथ आप लोग पालन करो,
किसी भी भ्रम में मत आना मेरे भाई, ठीक है ना। और भी वीडियो जल्द आने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहो। कोई सवाल हो तो नीचे पूछिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।